नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पटियाला में जो वैकेंसी आई थी, उन वैकेंसी का रिजल्ट कब तक है जो आएगा, जिन दोस्तों ने कंडक्टर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था उन सभी का रिजल्ट कब आएगा और उन सभी का रिजल्ट किस आधार पे है जो बनाया जाएगा, ये सभी बातें हैं जो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों आने वाली जॉब से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंचे। और मैं उन सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो दोस्त ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों उस ग्रुप में मैं आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो साथ ही साथ देता रहता हूँ। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ज्वाइन लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए और आप है जो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड को और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं जिन लोगों ने कंडक्टर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था उन सभी का रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों कंडक्टर की वैकेंसी का रिजल्ट है जो अभी फिलहाल है जो अपडेट है जो नहीं किया गया है, इसके लिए आप सभी ने चेक करना है तो आप रिक्रूटमेंट में जाकर है जो चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप नोटिस में जाने के बाद रिक्रूटमेंट पे जाकर है जो क्लिक कर लीजिए और आगे आपको है जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है जो सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी फिलहाल दोस्तों मैं इस वेबसाइट पे है जो साथ के साथ चेक करता रह रहा हूँ, अभी तक है जो इस पे कोई भी रिजल्ट की है जो नोटिफिकेशन है जो नहीं आया है। तो इसके लिए आपको मैं आगे बता देता हूँ आप किस तरह है जो पीआरटीसी का रिजल्ट है जो खुद से जान सकते हैं और कैसे है जो पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस नोटिफिकेशन पे आप सभी ने अप्लाई किया था कंडक्टर्स की वैकेंसी के लिए उसी को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद नीचे पीडीएफ फाइल एक डाउनलोड होती है उस पर क्लिक कर लेते हैं और आगे है जो हमारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है जो आप सभी ने अप्लाई किया होगा इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों जो कंडक्टर्स की वैकेंसी आई थी वो एसएस सर्विस प्रोवाइडर्स पटियाला की तरफ से इन्होंने है जो मुहैया करवाई थी। तो आगे बात करते हैं दोस्तों किस तरह आप है जो रिजल्ट का साथ ही साथ पता कर सकते हैं। उसके लिए आप दोस्तों नीचे जो संपर्क दिए गए हैं इन नंबर्स पे है जो कॉल करके है जो अपडेट साथ ही साथ ले सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपने फॉर्म अप्लाई करने का स्थान यहाँ पर लिख रखा है आप यहाँ पर जाकर है जो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों कंडक्टर की इन वैकेंसीज का रिजल्ट जब भी आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर है जो साथ के साथ नोटिफाइड है जो कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कंडक्टर की इन वैकेंसीज के लिए कैसे है जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए एक अलग से मेरिट लिस्ट है जो तैयार की जाएगी, ये मेरिट लिस्ट आपके 10वीं या फिर 12वीं के नंबर्स पे है जो उस पर बनाई जाएगी। मान लीजिए आपके 12वीं में है जो नंबर है जो ज़्यादा परसेंट आए हैं या फिर 10वीं में ज़्यादा परसेंट आए हैं, तो दोस्तों जिसमें भी आपके 10वीं या फिर 12वीं में से ज़्यादा परसेंट नंबर आए होंगे उसी के हिसाब से है जो आपकी मेरिट लिस्ट है जो बनेगी। तो सभी कैंडिडेट्स में जिस कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज होगी उसी के हिसाब से जो कट ऑफ बनना शुरू हो जाती है और उसी के हिसाब से है जो आपकी है जो मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसके बाद बात आती है जब भी है जो कंडक्टर्स की इन वैकेंसी का रिजल्ट आएगा मैं आपको साथ के साथ है जो वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।